अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो मोतियों को कटिंग से लगाने के बारे में। इसको पता था ये सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं और ये इसके फूल जो है खुशबूदार होते हैं, काफ़ी प्यारी खुशबू होती है इनकी। तो आज हम इसकी जो है टेप कटिंग, जो ऊपर से टॉप वाली कटिंग होती है, उससे इसको जो है लगाएँगे। तो ये आपको बताएँगे कैसे इसको ग्रो किया जाए कटिंग से। तो जी फ्रेंड, हम यहाँ से इसकी जो है मोतिया की कटिंग लेंगे, ऊपर टॉप वाली कटिंग जो होती है उससे। मोतिया के कटिंग से लगाने का बेहतरीन मौसम होता है जुलाई अगस्त, क्योंकि ये बरसात के मौसम में हर किस्म की कटिंग जो है आराम से चल जाती है। ये तकरीबन ये कटिंग हमने काट ली है इसकी, ये 4 से 5 इंच इसकी जो है साइज़ है, तो ये टेप कटिंग इसको बोलते हैं। तो इससे लगाएंगे आज इसको। तो जी फ्रेंड, ये मैंने मोतिया की कुछ कटिंग पहले लगाई थी, अब इसने अपनी जो है ग्रोथ स्टार्ट की हुई है। इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बरसात का मौसम जुलाई अगस्त जो है का जो है ये कटिंग लगाने के लिए बेहतरीन मौसम होता है। हर किस्म की कटिंग आप जो है लगा सकते हैं। तकरीबन 90% प्लांट जो है कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो कटिंग से बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने घर में जो है प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं, आपको नर्सरी से जो है ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं इनको बस थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। कटिंग लगाने के तरीके का होना पता होना चाहिए कि कैसे लगाया जाता है और क्या करना चाहिए कटिंग लगाने के बाद इसको। तो ये आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी फ्रेंड, ये टिप कटिंग हमने जो ली थी, इसके जो पत्ते वगैरह भी हटा लेंगे। तो ये तकरीबन 4 से 5 इंच साइज़ हो गया इसका, या हाथ के जो है जितनी लंबाई हो इसको हाथ से ऐसे नाप लें। तो ये मैंने 3 कटिंग ली थी, 2 के मैंने पत्ते ये उतार लिए थे, अब ये तीसरी जो कटिंग है इसके भी पत्ते इस तरह उतार लेंगे। पत्ते उतारने का ये होता है कि ये अपनी ग्रोथ पे जल्दी स्टार्ट कर दे, जो है रूट्स वगैरह जल्दी डेवलप करना शुरू कर देते हैं, पत्ते ऊपर नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका ये कटिंग लगाने का, मोतियों को कटिंग से ग्रो करने का। तो जी फ्रेंड, ये मैंने कटिंग जो ली थी इसके पत्ते उतार लिए। तो अब इसके जो मैंने गमले में मिट्टी भरी हुई है, ये सिंपल मिट्टी है, आम जो गार्डन वाली मिट्टी होती है, तो इसमें आप लगाएंगे। ये डिस्पोजेबल कप है, कटेंगे इसमें लगाएंगे, 2 से 4 इंच के गमले में लगाएंगे। तो बहुत ही आसान है, अगर इसके साथ कोई रूट और मून वगैरह आपके पास हो तो वो भी लगा देख सकते हैं, जेल वगैरह जेल। तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ इस तरह। तो ये कटिंग लेनी हो दबा देनी हो, साइडों से इसके मिट्टी दबा देंगे। बहुत आसान तरीका है कटिंग लगाने का ये। तो इस तरह आप जो है ये डिस्पोजेबल कप में भी लगा लेंगे इसको, इसको बैलकर साइडों से जो है मिट्टी को दबा देंगे। तो कटिंग लगाने के बाद मैं इसको जो है पानी दे दूंगा। तो जी फ्रेंड, मैंने ये कटिंग जो लगाई थी इसको पानी दे दिया है। पानी इसका जो है थोड़ा देने जोल से निकल जाएगा, तो फिर इसको जो है प्लास्टिक की बोतल से कवर कर देंगे। तो जी फ्रेंड, पानी मैंने कटिंग लगाया था तो जो पानी जो है देने जोल से ड्रेन हो गए। तो अब कटिंग का जो है ये प्लास्टिक की जो है बोतल है पेप्सी वाली, तो मैंने इसको जो है काट लिया था, तो इसके ऊपर जो है कटिंग को इससे कवर कर देंगे। तो जी फ्रेंड, ये कटिंग लगाने के बाद इसको जो इस तरह कवर कर देना है और इसको फिर साय वाली जगह पे रखना है, डेस्क टॉप पे नहीं रखना है, साय वाली जगह पे रखना है। तो फिर ये कटिंग जो है ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। अगर ये बोतल ना हो तो ये शॉपिंग बैग होता है जो, उससे जी भी इसको कवर कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोतल भी या शॉपिंग बैग अगर कवर करे तो वो भी। इससे ये होता है कि ये नमी से इनके अंदर बनी रहती है, क्योंकि कटिंग 2 वजह से ख़राब होती है। या तो कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी दे दें तो फिर भी ये कामयाब नहीं होती, या अगर ड्राई हो जाए मिट्टी इसकी तो फिर भी। इसलिए बोतल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जैसे नमी से बनी रहती है, तो उसमें कटिंग जो है आराम से चल जाती है। तो जी फ्रेंड, जो पहले कटिंग लगाई थी उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। इस प्लांट को जैसे गमले से निकाल लेंगे, ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे से जो है रूट डेवलप हुई हुई हैं। ये दोनों कटिंग आपको निकाल के दिखाते हैं। ये पहली कटिंग है, तो ये देखे इसके कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं। अब दूसरे के भी ये निकाल लेते हैं, ये देखे, और इसके भी जो है रूट्स बहुत अच्छे से बनी हुई है। फ्रेंड, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी मोतियों को कटिंग से लगाने के बारे में जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।